नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इन अ रूम कंटेनिंग एयर हीट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और हमारे ऑप्शन है बाय कंडक्शन ओनली बाय कन्वेक्शन ओनली बाय रेडिएशन ओनली या फिर बाय ऑल थ्री मोड्स तो ना इसको ऐसे कंसिडर करें कि मान लीजिए आपका एक रूम है थ्री डायमेंशनल रूम बना लेते हैं और ये आपका रूम है और मान लीजिए आप यहाँ पर बाघ जला रखी है या हीटर है जैसे ठंड हो रही है तो हीटर आप वहाँ सेक रहे हैं तो एक जगह से हीट दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो सकती है तो यहाँ पे आपका अगर जैसे ये आपकी वॉल है इस वॉल की अगर इस वाली वॉल के पास आपकी हीट हो रही है तो यहाँ पे वॉल एज ए कंडक्शन मीडियम आपकी एक हीट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा सकती है सो कंडक्शन पॉसिबल है कंडक्शन ओनली इज नॉट द राइट आंसर बट कंडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है कन्वेक्शन uh, कन्वेक्शन है कि एयर मॉलिक्यूल है यहाँ पे गर्म हुए कन्वेक्शन मेथड हमें पता है कि आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं या जैसे हम पानी गर्म करते हैं या फिर इस सिनेरियो में एयर है तो जो उस एयर आपके उस हीट सोर्स के अगल बगल है वो एयर के मॉलिक्यूल आपके गर्म हुए और एक्चुअली वो यहाँ से वहाँ तक हीट लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कन्वेक्शन मोड भी हो सकता है और ऑफ कोर्स रेडिएशन भी पॉसिबल है बिकॉज रेडिएशन को एनीवे anyway, कोई मीडियम नहीं चाहिए तो यहाँ जो आपकी हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे, वो आपकी हीट एक जगह से दूसरी जगह कैरी uh, कर सकती है सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन वी कैन से बाय ऑल थ्री मोड्स डिस्कशन आपका हीट ट्रांसफर जो है एक लोकेशन या दूसरी लोकेशन पॉसिबल है सो ऑप्शन फोर वुड बी द राइट आंसर